हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ मेरे अपना इंटरप्राइजेज में। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ बहुत सारी मशीनें। सकते हैं कि जिस तरीके से आपको मशीनें दिख रही होंगी, हमारे पास से आपको हर एक अलग अलग टाइप की मशीनें मिल जाती है। एक छोटा सा लघु उद्योग स्टार्ट करने के लिए जो आप अपने घर से बैठे बैठे कर सकते हैं, एक घर के किसी भी कोने से, 2x2 के कोने से आप एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं हमारे हमसे जुड़ के। जो मशीनें हैं, क्या बिजनेस होने वाला है, क्या मशीनें हो सकती है और कैसे बिजनेस करना है और कैसे व्यापार करना है और किन लोगों को बेचना है, ये सब जानकारी दूंगा मेरे वीडियो पर। बने रहें, वीडियो को कहीं भी स्किप करने की कोशिश ना करें। सबसे पहले मैं बात करूं कि ये बिजनेस क्या होने वाला और कैसे होने वाला और कहाँ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो बिजनेस होने वाला बहुत ही ईजी होने वाला है, बहुत ही आसान होने वाला है। ये आप अपने घर के किसी भी कोने में एक छोटी सी मशीन लगा के एक बिजनेस कर सकते हो। बिजनेस ऐसा है जिसे आप कह सकते हो कि जैसे पैकिंग बिजनेस है, अलग अलग टाइप की पैकेजिंग हो गई। जैसे हम जैसे आपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो आपने डेली यूजेज आपने देखा होगा, बहुत से ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो आप मार्केट से सस्ते दामों में खरीद के उसको रीपैकिंग करके मार्केट में आप आपके होलसेल मार्केट में, रिटेल मार्केट में बेच के अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो। दिन का 2 से 4 हज़ार कमा के महीने का एक अच्छा खासा इनकम कर सकते हो। तो दोस्तों आप एक छोटा सा बिजनेस कर सकते हो। अगर मैं बात करूँ इन्वेस्टमेंट की, तो मशीन जो है हमारे पास से अलग अलग टाइप की मशीन मिल जाएगी आपको। 1500 से लेके आपके हमारे पास से 1 लाख तक की मशीनें हैं, अलग अलग टाइप की मशीनें आपको हमारे पास से मिल जाती है। और अगर बात करूँ मैं इसके रॉ मटेरियल की, तो हर एक टाइप का रॉ मटेरियल हमारे पास से मिल जाता है। ये मशीनें जो आपको दिख रही होगी, इस मशीन को कहा जाता है ब्लिस्टर पैकिंग मशीनें। ब्लिस्टर पैकिंग मशीन का काम ये होता है कि किसी भी तरीके का जैसा ब्लिस्टर होता है, ब्लिस्टर जिसे आप पीवीसी शीट कह सकते हो, या फिर अगर आप वाटी कह सकते हो, या प्लास्टिक कप कर कह सकते हो। जैसे आपने देखा होगा आपके मार्केट में ऐसे ऐसे स्क्रबर हो गया, या फिर टूथब्रश हो गया, मोबाइल की बैटरी हो गई, सेल हो गया, बहुत अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट आप इस मशीन से, बच्चों का खिलौना हो गया, बच्चों के बहुत सारे कार होते हैं, टॉयज होते हैं जो इस मशीन से आप पैक कर सकते हो, मेडिसिन पैक कर सकते हो, किचन आइटम पैक कर सकते हो। इसमें बहुत सारी ऐसी कैटेगरी है जो आप सेलेक्ट करके आप अच्छा खासा बिजनेस करके इनकम कमा सकते हो। मशीन कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे मशीन खरीद सकते हो, दोस्तों अगर जैसा कि आप ये लघु उद्योग करना चाहते हैं अपने घर बैठे बैठे, तो आप हमें ऑनलाइन भी ऑर्डर दे सकते हैं। और ज़्यादा बेटर होगा कि आप हमारे ऑफिस विजिट करें, ट्रेनिंग लें, प्रोडक्ट देखें किस प्रोडक्ट में आप डील कर सकते हैं, उसके बाद ये बिजनेस छोटा सा आप अपने घर के में इस्तेमाल कर सकते हैं। बात करूँ कि आपके घर की जो नॉर्मल बिजली होती है उस पर ही चलता है, कम का मतलब कम आपका इलेक्ट्रिसिटी खाता है और कम जगह लेता है। आप घर के किसी भी कोने में मशीन को रख सकते हो। बात करूँ इससे आप 10 से 12 तरीके के ऐसे प्रोडक्ट रेडी कर सकते हो जो मार्केट में काफ़ी डिमांड में होता है, हर घर में यूज़ होने वाली चीज़ है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि बर्तन धोने के लिए जो काथा होता है, कुछ लोग उसको जूना कहते हैं, स्क्रबर कहते हैं, घसनी कहते हैं, इस तरीके का अलग अलग टाइप के नाम से ये जाना जाता है, इसको आप इस मशीन से पैक कर सकते हैं। इसके अलावा टूथब्रश हो गया, गरम मसाला हो गया, चॉकलेट हो गया, कैंडी हो गया, बच्चों का खिलौना हो गया, अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट आप इस मशीन से पैक कर सकते हैं। इसको बेसिकली मार्केट में ब्लिस्टर पैकिंग मशीन कहा जाता है। आपको ये मशीन तो मिल सी, ये जो मशीन आपको दिख रही है मैनुअल मशीन है। मैनुअल मशीन के अलावा आपको ऑटोमेटिक मशीन चाहिए, वो भी आपको हमारे पास से मिल जाता है। वीडियो में मैं आपको ऑटोमेटिक मशीन भी दिखाऊँगा, उसका यूज़ भी बताऊँगा कैसे यूज़ होता है। दोस्तों ये हैंडल होता है, ये हैंडल को हमें बस प्रेस करना होता है। इसके अंदर 4 सेकंड का मैंने टाइम सेट किया, 4 सेकंड होने के बाद ये मशीन आपको हॉर्न बजाती है, इसका मतलब आपका रेडी हो गया, आप हैंडल छोड़ सकते हो। प्रोडक्ट कैसे पैक होता है ये भी मैं आपको क्लियर वीडियो में दिखाऊंगा बना के। तो आप अगर जैसे एग्जांपल बहुत से लोगों के पास ये मशीनें होगी, उन्हें रॉ मटेरियल के लिए अगर प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा मुंबई ब्रांच में ऑफिस है, मेरा एक दिल्ली ब्रांच है, एक बिहार ब्रांच है। आप इसके यहाँ पर कहीं पर भी करीब में रहते हो इस स्टेट के, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आपको रॉ मटेरियल चाहिए, स्क्रबर चाहिए, डाई चाहिए, ब्लिस्टर चाहिए, आपकी मशीन काम नहीं कर रही, कुछ भी प्रॉब्लम हो हमें कांटेक्ट कर सकते हो। अगर कोई जो नया यूजर्स है, जो नए लोग हैं जो ये बिजनेस में जाना चाहते हैं, वो भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मशीन की आपको फुल हमारे पास से गारंटी आती है, मशीन को कुछ भी प्रॉब्लम आती है उसकी जवाबदारी हमारे पास होती है। अब रॉ मटेरियल की बात करूँ, तो आपको जिस भी टाइप का रॉ मटेरियल चाहिए होता है आपको बड़े ईजिली हमारे पास से मिल जाता है। देख रहे हैं अभी मैं आपको लाइव वीडियो दिखाऊंगा कैसे मशीन का यूज़ करना है। इस तरीके से अगर आपको किशमिश पैक करना है, देख सकते हैं मैंने किशमिश को इसके अंदर फिल कर दिया है। इस तरीके से पेपर मैंने हर एक इसमें डाल दिया है, आप देख सकते हैं इस तरीके से पेपर को मैंने हर इसमें डाल दिया है। डालने के बाद हमें इस तरीके से मशीन के अंदर इसे डालना होता है। डालने के बाद हमें बस ये हैंडल होता है, इस हैंडल को हमें प्रेस करना है।
जब मैं इसमें आप 2, 3, 4, 5 सेकंड सेट कर सकते हो, जैसे ये हॉर्न बजेगा मतलब आपका माल बनके रेडी हो गया। अब हमें हैंडल को छोड़ देना है। छोड़ने के बाद हम लोग इस तरीके से माल देख लेंगे और एक कपड़ा ले लेंगे। कपड़े को हमें इस तरीके से थोड़ा सा पुश कर देना है जिससे माल में फिनिशिंग आपकी अच्छी आ जाएगी। उसके बाद से हमें इस तरीके से प्रोडक्ट निकाल लेना है। आप देख सकते हैं आपके सामने इस तरीके से, ये देख सकते हैं इस तरीके से आपका माल बनके रेडी हो जाता है। जब इस तरीके से मार्केट में आप सेल करते हो तो बताओ आप कितना अच्छा कमा सकते हैं। इसके अंदर आप अलग 200-250 ग्राम के लिए चाहिए हो या तो 100 ग्राम के लिए आप देख सकते हैं। फिनिशिंग देख सकते हैं आप, आपके सामने है। कैमरे में मैं आपको फिनिशिंग दिखा दूँ। इस तरीके से आप प्रोडक्ट बना के आपका रेडी कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप क्या कर सकते हैं मैं आपको दिखा दूँ। ये देख सकते हैं इस तरीके से मैंने ये डाई को सबसे पहले हम लोग यहाँ से हटा देंगे। अब मैंने इस तरीके से इसके अंदर आप चाहें तो ये ब्लिस्टर, मल्टीपर्पज़ ब्लिस्टर, इसके अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट आप यूज़ कर सकते हैं, बना सकते हैं। आपके दिखे स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि मैंने इस तरीके से ब्लिस्टर लिया। ब्लिस्टर के अंदर मैंने कुछ में चॉकलेट्स भरे, कुछ में ड्राई फ्रूट भरे। इस तरीके से मैंने पेपर शीट ले लिए। पेपर शीट को मैं क्या करूँगा, एक बार कपड़ा मार दूँगा। हो सकता है पेपर शीट पर डस्ट लगी हो तो डस्ट क्लीन हो जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, पेपर शीट को इस तरीके से लगा देंगे। लगाने के बाद हमें क्या करना है, सिंपली इसको मशीन में हम सेम जैसे हमने उसको किया था इसको डालेंगे। डालने के बाद हमें अगेन इसे प्रेस करना है। हॉर्न बज रहा है, हमें छोड़ देना है। छोड़ने के बाद हम इस तरीके से अपना पेपर पे एक हल्का सा कपड़ा मार देंगे कि जो फिनिशिंग है वो अच्छी आ जाए। ये आप देख सकते हैं आपके सामने प्रोडक्ट बनके रेडी है। इस तरीके से आप ड्राई फ्रूट हो गया, गरम मसाला हो गया, जिस भी टाइप का आइटम पैक करना चाहे आप बड़े आराम से पैक कर सकते हैं। बहुत से लोगों को प्रॉब्लम आती है कि इस तरीके से जो मसाला होता है वो पैक सही से नहीं होता, निकल जाता है। आप देख सकते हैं फिनिशिंग, आप देख सकते हैं आपके सामने। आप कितना भी इसको मोड़ोगे तोड़ोगे ये निकलने वाला नहीं है। तो जो भी आपको रॉ मटेरियल हमारे पास से मिलेगा बहुत क्वालिटी वाला मिलेगा दोस्तों को। जैसा कि मैंने आपको दिखाया इस तरीके से आप मसाला पैक कर सकते हो, देख सकते हो, ये देख सकते हो क्वालिटी आपके सामने। आप कैसे भी मोड़ोगे माल आपका करने वाला नहीं है। उसके अलावा मैंने आपको किशमिश ड्राई फ्रूट पैक करके दिखाया। आप 100 ग्राम 50 ग्राम 250 ग्राम जिस भी तरीके का आपको प्रोडक्ट पैक करना हो बड़े आराम से इस मशीन से पैक कर सकते हो। बात करूँ ऑटोमेटिक मशीन की तो देख सकते हो इस तरीके का आपको ऑटोमेटिक मशीन भी मिल जाता है। ये कंप्रेसर बेस होता है जो हवा से चलता है। इसके अलावा अगर आपको जैसे हाइड्रोलिक मशीन चाहिए हो पेपर प्लेट बनाने के लिए, स्लीपर कटिंग करने के लिए, हर एक टाइप की मशीन आपको हमारे पास से मिल जाएगी। आप किसी भी टाइप की मशीन लेना चाहते हो या उसके बारे में जानकारी लेना चाहते हो तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा नंबर दिया होगा, स्क्रीन पे भी मेरा नंबर आ रहा होगा। आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। आशा करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो। आपको किसी भी टाइप की मशीन या रॉ मटेरियल की आवश्यकता हो तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।